जब भी किसी इंडियन सुपर हीरो का नाम लिया जाता है तो उसमें क्रिस का नाम सबसे ऊपर होता है। काफी समय से हम क्रिस फिल्म जैसी नेक्स्ट मूवी देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्ट को रिलीज हुए काफी समय हो गया है और अभी तक कुछ सुनने को नहीं मिला, और अब जाके क्रिस के फोर्थ पार्ट को लेकर खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन इस फिल्म को लेकर हमें अभी काफी लंबा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अपडेट्स आ रही है कि पहले जहां इस फिल्म की शूटिंग अगले साल 2024 के जनवरी के महीने में शुरू होनी थी, वो अब जाकर 2024 के लास्ट में शुरू होगी। और सुनने को मिल रहा है कि अभी फिल्म की स्टोरी पर काम चल रहा है बड़े खतरनाक तरीके से, और फिल्म की स्टोरी पर काफी समय लगने वाला है क्योंकि मेकर्स क्रिस 4 की स्टोरी को काफी यूनिक बनाना चाहते हैं। और अब की बार क्रिस 4 मूवी में हमें जबरदस्त स्टोरी के साथ साथ कमाल का VFX देखने को मिलने वाला है, इसीलिए अभी हमें काफी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। और मेकर्स का कहना है कि 2024 के लास्ट में क्रिस 4 मूवी की शूटिंग शुरू हो जाएगी और फिल्म की शूटिंग में काफी लंबा समय लगेगा, क्योंकि ऋतिक रोशन अपनी आने वाली दो बड़ी फिल्मों पर काम कर रहे हैं। और अब ऋतिक रोशन अपनी फाइटर मूवी की शूटिंग में लगे हुए हैं जो अगले 2 महीने में पूरी हो जाएगी। इसके तुरंत बाद ऋतिक रोशन वार 2 पर काम शुरू कर देंगे, और वार 2 काफी बड़ी फिल्म है जिसमें टाइगर और पठान जैसे हीरो मौजूद हैं, इसीलिए इनकी शूटिंग में काफी लंबा समय लगेगा। वार 2 की शूटिंग 2024 के लास्ट तक पूरी कर ली जाएगी, जिसके तुरंत बाद ऋतिक रोशन क्रिस 4 की शूटिंग में लग जाएंगे। और जैसा कि आपको पता होगा कि क्रिस 4 को एक इंटरनेशनल लेवल पर बनाया जा रहा है, और अब की बार हॉलीवुड की लेवल का VFX यूज किया जाएगा। और अगर 2024 के लास्ट तक फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई तो ये फिल्म हमें 2026 के मिड तक देखने को मिल सकती है। फिल्म की कास्टिंग की बात करें तो हमें लीड रोल में ऋतिक रोशन देखने को मिलेंगे, और इनके साथ एक्ट्रेस के रोल में हमें प्रियंका चोपड़ा ही देखने को मिलेंगी। और डायरेक्टर को भी लेकर काफी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आपको बता दें कि अब की बार क्रिस 4 को राकेश रोशन नहीं डायरेक्ट करने वाले, बल्कि क्रिस 4 मूवी को करण मल्होत्रा के डायरेक्शन में बनाया जाएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय।